इस धरा पर खड़ी मैं प्रारब्ध की रचना करती हूँ। साक्षी हूँ मैं कल के गौरव की, मैं आज की रचना करती हूँ। मैं झारखंड विधानसभा हूँ। प्रथम झारखंड विधानसभा के दिनांक 19 फरवरी 2002 की कार्यवाही माननीय अध्यक्ष श्री इंदर सिंह नामधारी की अध्यक्षता में 11 बजे से प्रारंभ हुई। प्रश्नोत्तर काल में 2 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित, 1 अल्पसूचित प्रश्न दिनांक 20 फरवरी 2002 के लिए स्थगित, 7 तारांकित प्रश्न उत्तरित, 3 तारांकित प्रश्न स्थगित, 1 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ तथा शेष 19 प्रश्न अनागत हुए। शून्यकाल की चर्चा के अंतर्गत सर्वश्री टेकलाल महतो, हेमलाल मुर्मू, देव कुमार थान, दिनेश उराव, योगेंद्र नाथ पैठा, गिरिनाथ सिंह एवं श्रीमती मेनका सरदार ने लोकहित से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा करते हुए सरकार से इसके निदान हेतु उपाय करने की मांग की। अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण सूचनाओं एवं उस पर सरकारी वक्तव्य के अंतर्गत ग्रामीण विकास से संबंधित बोकारो जिला अंतर्गत जरीडीह प्रखंड के बांधडीह, गोपीनाथपुर तथा भस्की से जंगल बॉर्डर तक प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़क में लोक धन के दुरुपयोग की उच्च स्तरीय जांच एवं भुगतान पर रोक लगाने संबंधी माननीय सदस्य श्री राजेंद्र सिंह की पूर्व पठित ध्यानाकर्षण सूचना पर माननीय मंत्री श्री मधु कोड़ा ने सरकार की ओर से वक्तव्य दिया। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से संबंधित झारखंड राज्य में भूइयां तथा मुशहर उपजाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखने संबंधी मांग विषयक माननीय सदस्य श्री योगेंद्र नाथ बैठा एवं अन्य 2 सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना को सदन में पढ़ा हुआ मान लिया गया। जल संसाधन विभाग से संबंधित गढ़वा जिला अंतर्गत चिनिया प्रखंड के चिरका जलाशय योजना के मुख्य नहर के चेन संख्या 340 के प्रवाह में धनकुट्टी नाला से पानी गिराकर सिंचाई की व्यवस्था कराए जाने की मांग विषयक माननीय सदस्य श्री गिरिनाथ सिंह की ध्यानाकर्षण सूचना को सदन में पढ़ा हुआ मान लिया गया। उद्योग विभाग से संबंधित बोकारो कारखाना के निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि को बेचने एवं लीज पर देने, विस्थापित ग्रामवासियों को मुआवजा एवं नौकरी से वंचित रहने से उत्पन्न स्थिति विषयक माननीय सदस्य श्री फुरकान अंसारी एवं अन्य 2 सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना को सदन में पढ़ा हुआ माना गया। इस पर सरकार का वक्तव्य दिनांक 26 फरवरी 2002 के लिए स्थगित किया गया। दिनांक 18 फरवरी 2002 से जारी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद आज की तिथि में पुनः प्रारंभ हुआ, जिसमें सर्वश्री जेपी गोल्डस्टीन, लॉबिन हेम्ब्रम, डॉक्टर सबा अहमद, अरुण मंडल तथा गिरिनाथ सिंह ने भाग लिया। यह वाद विवाद अगले तिथि के लिए भी जारी रहा। सभा पटल पर कागजात का उपस्थापन के अंतर्गत माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री रामचंद्र केसरी ने झारखंड लोकायुक्त अधिनियम 2001, झारखंड लोकायुक्त नियमावली 2001, झारखंड लोकायुक्त सेवा शर्त नियमावली 2001 एक प्रति को सभा पटल पर उपस्थापित किया। माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश के आलोक में माननीय मंत्री श्री पशुपति नाथ सिंह ने लेवा टाण में घटी घटना के संबंध में बोकारो के उपायुक्त एवं आरक्षी अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन को सभा में पढ़कर सुनाया। इस क्रम में माननीय मंत्री श्री समरेश सिंह ने अद्यतन स्थिति से सभा को अवगत कराया। माननीय मंत्री द्वारा स्थिति स्पष्ट किए जाने के उपरांत कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा आसन से माननीय सदस्य श्री महेंद्र प्रसाद सिंह का अनशन समाप्त करने हेतु सरकार को प्रभावी कदम उठाने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने नेता विरोधी दल सहित विपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह किया कि वह सभी माननीय सदस्य श्री सिंह का अनशन तोड़वाएं। उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य श्री महेंद्र प्रसाद सिंह को जो भी शिकायतें
हैं उसका निदान सदन के माध्यम से यथासंभव किया जाएगा। इसके पश्चात सभा की बैठक को दिनांक 20 फरवरी 2002 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई।